फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जैसा कि मैंने आपने थंबनेल देखा होगा तो आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं क्या करने वाली हूँ। तो आज मैं यहाँ पर वाव का रेड ऑनियन ब्लैक सीड ऑयल हेयर मास्क ट्राई करने वाली हूँ। नो पैराबिन, नो सल्फेट, नो मिनरल ऑयल, नो सिलिकॉन्स। ओके, एंड ये है हेयर मास्क जो कि ऑनियन का है, तो रेड ऑनियन काफ़ी अच्छा होता है बालों के लिए। कुछ इस तरीके से इसकी पैकेजिंग है। तो अंदर से आप देखोगे तो जैसे मैंने वाओ का दिखाया हुआ था, मैंने आपको मिस टूनर क्योंकि वो भी काफ़ी अच्छा था और ये भी काफ़ी अच्छा। तो आप देखो कुछ इस तरीके से, ये देखिए इसका पैकेट है, आप देख सकते हो। और ये 200 ml का आता है। तो आप जैसा कि देख सकते हो मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा रफ़ है, और खास करके जब मैंने वो हेयर कलर किया उसके बाद से मेरे बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हो गए हैं। कलर तो आया बट क्या हुआ, मेरा बाल थोड़ा सा रफ़ हो गया है मेरे, जैसे कि आप देख सकते हो इस साइड से मेरे बालों को कितनी ज़्यादा ये स्प्लिटेंस हो गई है मेरे बालों में। इसको लगाने के बाद ना मैंने थोड़ा सा बाल ब्राउन तो करा, मगर अपने बालों का मैंने सत्यानाश किया है। ओके, तो अगर आपने इसका रिव्यू नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो ओपन करने का दिया। अब इसको स्मेल करके आप बता नहीं सकते कि ये ओनियन का है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। चलो उसके अगर टेक्सचर की बात करें तो ये काफ़ी स्मूथ टेक्सचर में है। तो चलिए अपनी बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आपको इस तरीके से बाल की जड़ों पर लगाना है इसे पहले। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये बाल में लगाने के बाद ना बहुत ठंडा ठंडा सा फील हो रहा है। मेरे हेयर में ब्लू तरीके से ड्राई हो गया है, तो मैं हेयर वॉश करूँगी। आपको प्रॉपर हेयर वॉश करना है शैम्पू कंडीशनर के साथ। ओके, तो मिलते हैं बालों को वॉश करने के बाद। तो अब मैं आपको अपने बाल दिखाती हूँ। मैंने अपने बालों को वॉश कर लिया है हल्का। अब आप देखो मेरे बाल एक बार में पूरी तरीके से आपके अच्छे नहीं होंगे, मगर आप उसके रिजल्ट को देख सकते हो। मेरे बाल ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है मेरे को। और अगर आप यहाँ से देखो मेरे बाल, पहले मेरे बाल कितने रफ लग रहे थे, अभी भी अगर में तो वो सही से नहीं होंगे, मगर रिजल्ट आपको देखने मिल जाएगा। साथ ही में सबसे बड़ी बात कि आपको आपके बाल काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट लगेंगे, तो एक बार ट्राई करना आप भी। इफेक्टिव लगा, अगर आप इसे 15 days में लगातार यूज़ कर रहे हो तो वो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। मैंने इसे अभी फर्स्ट टाइम आज यूज़ किया है और मुझे फर्स्ट टाइम इसका इफेक्ट, बाल काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट लग रहे हैं और शाइनी भी लग रहे हैं। तो आप एक बार ट्राई करना और इसका रिजल्ट आप देखना। एम स्क्वायर आपको कुछ बेस्ट मिलेगा।